हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 45 जो कक्षा छठी से आठवीं के लिए है और 26 अगस्त 2020 को करनी है हमें, यानी कि आज। प्रणव एक समझदार लड़का है और उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखा हुआ है। उसके पापा एक दर्जी हैं, उसकी मम्मी एक गृहिणी है। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने के साथ साथ अपनी सभी कामों को निश्चित समय देता है। उसकी दिनचर्या इस तालिका में दी गई है। बेटा, यहाँ पर आपको तालिका दी गई है। जो प्रणव एक बच्चा है जो बहुत समझदार है और अपनी दिनचर्या यानी कि जो दैनिक कार्य हैं उनको बहुत सुव्यवस्थित रखता है। हर चीज़ का उसने पूरा समय बांध रखा है। और उसके पापा क्या हैं, दर्जी हैं, और उसकी मम्मी गृहिणी यानी कि घर पर रहती हैं। घर की देखभाल, घर संभालना बच्चों के साथ, तो उन्हें गृहिणी या होम मेकर, हाउस वाइफ बोला जाता है। तो वह अपने माता पिता के साथ हाथ भी बटाता है, तो हाथ बटाने में भी वह एक निश्चित समय देता है। उसकी दिनचर्या इस तालिका में दी गई है और हम सब जानते हैं कि हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर वही जो हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है गणित में, उसी का प्रयोग हमारी दैनिक दिनचर्या में किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं हम उसी के ज्ञान को, अपने दैनिक दिनचर्या को जानने और समझने, प्रणव की दैनिक दिनचर्या को भिन्न के रूप में जानने की कोशिश करेंगे और दर्शाएंगे कि वह क्या होगा। तो देखिए बेटा, भिन्न होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रणव कार्य कौन सा कर रहा है। प्रणव सोता है। कितना समय सोता है, 9 घंटे सोता है। फिर माता पिता की मदद कितने घंटे करता है, 4 घंटे, और टीवी देखता है 2 घंटे, खेलता है 3 घंटे, पढ़ता है वह 4 घंटे, और नित्य कार्य यानी कि आपके दैनिक दिनचर्या में आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जो दैनिक कार्य जो हमें हमेशा करने पड़ते हैं, जो नित्य क्रियाएं हैं, उनके लिए लगभग उसका पूरे दिन में 2 घंटे व्यतीत होते हैं। बेटा, अगर हम इन सबको जमा करेंगे तो इन सबको जमा करके देखिए, 9 जमा 4 13, 13 जमा 2 15, 15 जमा 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, तो ये हमारे बन गए 24 घंटे। और हम सभी को पता है कि एक दिन बराबर कितना होता है। एक दिन में हमारे पास होते हैं जी 24 घंटे। तो यहाँ 24 घंटों का ही ब्यौरा दिया गया है कि उसने पूरे एक दिन में वह अपने उन घंटों का इस्तेमाल किस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से करता है। अब देखिए बेटा, हमें करना क्या है। हमें ये दी गई जो तालिका है बेटा, उसमें समय, कितना समय किस कार्य को दिया प्रणव ने, ये लिखना है। फिर उसको भिन्न के रूप में लिखना है और उसी भिन्न को हमें सरलतम भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले है प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो हमने अभी ऊपर देखा कि वह 9 घंटे सोता है, तो 9 घंटे के अनुसार यहाँ पे भिन्न क्या बन गया। आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, 20 में से कितने मार्क्स आए, 19 18 17, तो वो 20 में से जो टोटल है, यहाँ पर हमारे कितने कुल घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, और 24 में से कितने घंटे वह सोता है, 9 घंटे, तो क्या आ गया, 9/24। तो बेटा, आप ऊपर को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे को क्या कहते हैं, नीचे जिसको आप इंग्लिश में तो डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर 9 को क्या कहेंगे, अंश। भिन्न के 2 भाग हैं, ऊपर है अंश और नीचे है हर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब हम देखते हैं, तो हमने यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद जब हम इसको सरलतम भिन्न में बदलेंगे, तो सरलतम भिन्न में बदलने का अर्थ है 9 जमा 24 जो हमारा था, उसको सेम पहाड़े से, एक ही पहाड़े से ऊपर और नीचे आपको भाग करना होता है, या आप जिसको कहते हैं काटना होता है। तो देखिए, 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, 3 3 9 और 3 8 जी, 3 3 9 और 3 8 24, इसलिए ये बन गया सरलतम भिन्न 3/8, क्योंकि इससे आगे ये नहीं कटता किसी भी टेबल से। बेटा, आपको भाज्यता के नियम भी बताए गए हैं, तो जो संख्या जमा करने पर, वैसे तो 9 और 24 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या भी हो तो अगर उनके सभी स्थान पर जो अंक है उसको जमा कर देंगे, तो वो जमा करने पर जो
अंक मिलेगा हमें यदि वो तीन से भाज्य है, तीन से भाग होता है, तीन के पहाड़े में आता है, तो वह संख्या तीन से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अगला जो भाग है वो है प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वह चार घंटे पढ़ता है और उसका भिन्न बनाने के लिए हो जाएगा 4/24। और 4/24 जो होगा जब हम उसको काटेंगे तो 4/24 में 4 × 4 और 4×6 = 24, तो यहाँ आ गया 1/6। इसी तरह से जब हम आगे करेंगे बेटा तो प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है, तो हमने ये यहाँ पर देखिए ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके साथ ही साथ। तो प्रणव कितने घंटे पढ़ता है, तो देखिए प्रणव 4 घंटे पढ़ता है, तो ये हो गया 4/24 और 4 को जब काटेंगे तो 4 × 4 और 4×6 = 24। तो सरलतम भिन्न इससे आगे नहीं कट सकता, तो इसी को इसका सरलतम भिन्न कहेंगे, यानी कि 1/6। अब देखिए खेलता कितना समय है, 3 घंटे खेलता है, तो भिन्न बन गया 3/24। और जब हम इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, हमें यहाँ पे काटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको काट के इसलिए दूसरे रंग से दिखा रही हूँ। तो 3 × 3 = 3, 8 = 24, तो आ गया 1/8। इसी तरह से बेटा अगला देखेंगे आप, तो अगला है टीवी देखता है, कितने घंटे देखता है, 2 घंटे टीवी देखता है, 24 में से 2 घंटे देखता है, तो 2 ऊपर आ गया, 24 नीचे आ गया। जब हम इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, यानी कि 12 आ जाएगा। या फिर आप ये देखिए यहाँ 1, यहाँ 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये देखिए 1/12 आ गया। माता पिता की मदद करता है 4 घंटे, कितने घंटों में से, 24 घंटों में से, तो 4/24 बन गया भिन्न। और जब हम इसको काटेंगे बेटा तो बेटा 4 × 4 = 4×6 = 24, सेम पहाड़े से ही बेटा ऊपर नीचे भाग होता है, एक ही पहाड़े से किया जाता है, और ये 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये सारा आपके लिए क्लियर कलरफुल, ताकि ये आपको अट्रैक्ट करे, आप अच्छे से इसे कर सकें, ये किया गया है। उसके बाद देखिए बेटा ये आपका ये ब्लॉक नीचे जो आपका ये ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है अगला, प्रणव की दिनचर्या से प्राप्त भिन्न को ऊपर दी गई तालिका में संबंधित रंगों का प्रयोग करके दी गई आकृति को छायांकित करें। छायांकित करना यानी कि उसको शेड करें। जैसे उदाहरण में आकृति को छायांकित किया गया है, यह आकृति 24 घंटे को दर्शाती है, एक छोटा वर्ग 1 घंटे को दर्शाता है, और हमें यहाँ पर एक करके दिखाया गया है कि वह 9 घंटे सोता है। तो बेटा 9 घंटे सोने के कारण उसका जो देखिए ये जो हैं ये 24 हैं, 1, 2, 3, 4, आप अपनी कॉपी में भी इस तरह से बनाएंगे, मैं आपको नीचे बताऊँगी कि वो कैसे बनाएं। ये 6 आपने ऊपर रखे हैं बॉक्सेस, और बेटा यहाँ से अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 6×6 = 24 आपके बॉक्स बन जाएंगे, इक्वल साइज़ के आप बनाएंगे। और यहाँ पर 9 वर्ग हैं, 9 वर्ग 8, एक हमने ये देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3, तो ये 9 वर्ग, क्योंकि एक वर्ग किसको दर्शा रहा है, 1 घंटे को। हमने ये 24 वर्ग क्यों बनाए हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम यहाँ पर एक दिन बराबर है 24 घंटे, और हम यहाँ 24 घंटे दिखा रहे हैं। इसको हम अब कैसे कलर करेंगे, छायांकित करना, आप शेड करते थे जब आप भिन्न के बारे में पढ़ते थे, छायांकित करते थे, तो अब आपको उसी तरह से यहाँ पे देखिए करना है। तो ये मैंने आपके लिए किया है, आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक बेटा बॉक्स बनाएंगे, जिसमें इस बॉक्स को क्या किया गया है, मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर ले लिया, और 12 सेंटीमीटर में यानी कि ये 2-2 सेंटीमीटर के सारे बन गए, उसके 5 यहाँ पे निशान लगा लिए 2-2 सेंटीमीटर के। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये 8 सेंटीमीटर लिया, और 8 सेंटीमीटर में भी यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगा लिए, 4 भागों में कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने 6 भागों में यानी कि 2-2 सेंटीमीटर में बांट दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है बेटा,
उसके बाद आप सब बच्चों को यहाँ पर जिस जिस रंग से आप जो दिखाना चाहते हैं, आप जिस कलर से जो दिखाना दर्शाना चाहते हैं उसको उसी रंग से छायांकित करना है आपको। आपको उसी रंग से यहाँ पे उसी रंग का इस्तेमाल करते हुए इसको देखिए मैंने भी छायांकित किया, मैंने पूरा रंग नहीं भरा, आप चाहें तो पूरा रंग भी भर सकते हैं अच्छी तरह से, सफ़ेद सफ़ेद ये ना दिखाई दे। तो यहाँ देखिए मैंने ये लाल रंग जो दिखाया है, अब मैं इसको काला कर देती हूँ ताकि रंगीन में आपको ये दिखाई दे सके। ये जो मैंने लाल रंग ये सारा यहाँ लाल रंग दिखाया बेटा, ये सारा लाल रंग दिखा रहा है सोना। मैंने लाल रंग से ही फिर लिख दिया सोना, क्योंकि वो कितने घंटे सोता था, 9 घंटे ही हमें करके दिया गया है। फिर है माता पिता की मदद करना, तो माता पिता की मदद वह करता था 4 घंटे। तो यहाँ देखिए मैंने 1, 2, 3, 4। आप किसी भी तरह अपने क्रिएटिविटी को, अपनी कलात्मक क्षमताओं के अनुसार कोई भी 4 बॉक्सेस को आप कलर कर सकते हैं बेटा, वो आपका इंटरेस्ट है। मैंने ये दूर दूर इसलिए किया है ताकि वो अलग से आपको पता चले कि किस तरह से, और पेपर में भी इस तरह से अलग अलग तरह से किया जा सकता है। तो आपको वो बॉक्सेस गिनने हैं। मम्मी पापा की जो वो माता पिता की मदद करता है 4 घंटे करता है, फिर सोता है वह 9 घंटे, तो 9 बॉक्सेस थे उनको कर दिया रेड, फिर 4 बॉक्सेस को हमने ब्लू कर दिया। फिर है टीवी देखना, तो वो टीवी देखता है बेटा 2 घंटे। तो टीवी जब वो 2 घंटे देखता है, तो देखिए टीवी 2 घंटे देखने का अर्थ है कि ये वो 1 और 1 ये 2, तो ये आ गया 2 घंटे। अब खेलता कितने समय है वो, 3 घंटे खेलता है, तो यहाँ पर आ गया 3 घंटे, हरे 3 कर दिया हमने। फिर वह पढ़ता है, तो पढ़ता कितने समय के लिए है, वह पढ़ता है 4 घंटे के लिए, तो 4 घंटे के लिए मैंने भी फिर से ये अलग अलग थोड़ा दूरी पे बनाने की कोशिश की ताकि आप सब उसे आसानी से समझ सके, और उसकी जब फ़ोटो खींची जाए तो आपको अलग से वो सब रंग दिखाई दें। इसलिए मैंने ये अलग अलग थोड़ा दूरी पे उन बॉक्सेस को चुना। उसके बाद बेटा नित्य कार्य, तो नित्य कार्य जो वह करता है उसमें वो 2 घंटे लग उसके व्यतीत होते हैं, तो वो नित्य कार्य के लिए हमारे ये 2 घंटे ये हो गए जो ब्राउन कलर से हैं। इस तरह से ही आपको ये बॉक्स बनाना है और उसको शेड करना है। उन कलर्स को आप दिखाएंगे कि कौन से कलर से कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, और जितने घंटे वह उस कार्य को करने में लगाता है, व्यतीत करता है, हम उसी को ही ये 6x4 क्यों लिखा गया बेटा, ये 6x4 लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर ये हमने 4 बॉक्स बनाए हैं और ये यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं, तो जब हम इनको पूरा गिनेंगे तो 6 चौक 24, ये पूरे 24 बॉक्सेस हैं जो हमारे 24 घंटे हैं। हमारे दिन के 24 घंटे जो होते हैं ना, एक दिन के यहाँ 24 घंटे बताए गए हैं, जो क्या होता है बराबर है एक दिन के। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया और आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे और समय पर करके अपनी टीचर के पास इसे काम को भेजेंगे। और इस तरह से अपनी दो और भी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं अपने आसपास देखेंगे या अपने दैनिक दिनचर्या को भी इस तरह से आप एक बार तालिका में लिखिए कि आप कितने घंटे क्या करने में व्यतीत करते हैं, और उसका इस तरह से बॉक्स बनाइए। ऐसा ही बनेगा, 24 ही होंगे उस आयत में, उसके 24 भाग करने के बाद आप अलग अलग रंगों से जो आपको अच्छा लगे अपनी उन क्रियाओं को नाम दे सकते हैं और उतने ही बॉक्सेस को कलर कर सकते हैं। आई होप यू enjoyed एंड यू understood। कीप लर्निंग बेटा, अच्छे से पढ़िए। मुझे यही आशा कर रही हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया है और आप समय पर अपना काम पूरी तरह से करके, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर काम करके अपनी टीचर के पास भेजेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।